नमस्ते जी, सभी को चैनल पे स्वागत है। तो आज बनाते हैं भरवा शिमला मिर्च। तो चलिए तैयारी देख लेते हैं। तो ये मैंने शिमला मिर्च ली है, जो मैंने ऊपर से काट के खाली कर लिए, इनके बीज निकाल दिए हैं। ये टमाटर मिर्च काट लिए हैं, धनिया प्याज आलू उबाल लिए हैं, और ये हैं कच्चा आम, इसको मैं अमचूर की जगह यूज करूँगी। तो ये देखो मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, तेल गर्म हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और हींग डाल देंगे, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट घर पे बना कर आप आराम से रख सकते हैं। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अदरक का पेस्ट रख सकते हैं बना के। और ये मैंने डाल दिया इसमें कटा हुआ प्याज, और ये मैंने बिल्कुल बारीक नहीं काटे हैं, मिक्सी में पीसे नहीं है, मतलब क्योंकि थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है भरवा शिमला मिर्च में, तो ये मैंने हाथ से ही काट रखे हैं सब। इसमें मैं डाल दूंगी मसाले, हल्दी डाल दी है मैंने, सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, और मिर्च हिसाब से डालें क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काटी है। 2 चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें सब्जी मसाला, और नमक अपने हिसाब से, जितना आप तेज या हल्का खाते हैं। मसाले भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना हल्का या तेज आप खाते हैं मसाले। तो इन सबको अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर हरी मिर्च वगैरह, तो वो सब मैं इसमें डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से पकने दूंगी। सब अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जिससे ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसी में मैं ये साइड में आम, कच्चा आम जो मैंने काटा है बारीक बारीक, ये भी डाल दूंगी, ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक आम का सीजन चलेगा मैं अमचूर नहीं डालती हूँ सब्जी में, तो कच्चा आम ही एक आम बारीक काट के डाल देती हूँ, तो वही खटास कर देता है अच्छी सी, तो इसलिए मैंने आम डाला है। तो ये सब मसाले अच्छे से ऑलमोस्ट भून चुके हैं, लेकिन अभी अमीन ने भूनना है, तब ये पानी सोख नहीं जाएगा ना। जितना पानी सूख जाता है मसाले का भूनते हुए सब्जी में, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये तो हमें भरावन में भरना है, तो ये वैसे भी हमें मसाला थोड़ा सूखा सूखा सा ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो देखो मसाला भुन चुका है, अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए आलू, जो हमने उबाल के रखे थे ना और मैश कर लिए थे, ये 4-5 आलू हैं। और अगर आप आलू कम खाते हैं तो ये मसाला थोड़ा ज़्यादा भून लें और आलू एक डाल लें, तो उससे भी अच्छी स्टफिंग हो जाती है। देखो ये मैं इसको ढक दूंगी और अच्छे से और भून लूँगी। देखो मसाला कितना अच्छा हो गया, आप साइड से देख रहे हैं, ऑयल छोड़ दिया इसने। देखो कढ़ाई में चिपका भी नहीं है, एकदम अलग अलग है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपकी रेसिपी उतनी ही बढ़िया बनती है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और मिक्स कर लेती हूँ, और अब हम इसे भर लेंगे शिमला मिर्च में। तो मैं फ़िलहाल के लिए गैस ऑफ कर देती हूँ, और ये शिमला मिर्च मैंने यहीं पर रख लिया है, और एक आप चम्मच की मदद से आप इन्हें भर लें, जैसे थोड़ा सा मसाला उठाएं और इसमें आराम से इसे भर दें, और आप अच्छे से दबा कर भर दें। ये निकलता नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं निकलता इसमें से, तो आप ऐसा करते हुए आप इन्हें भर ले, और गरम गरम ही भरे, ताकि शिमला मिर्च ना अंदर से भी पक जाएंगी इससे, और बाहर से तो हम कढ़ाई में पकाएंगे ही इनको, तो आप गरम गरम ही भर दें। इसमें हाथ वात नहीं जलता है, आप आराम आराम से ऐसे करके चम्मच की मदद से आप इन्हें भर दें। ऐसे ही करके मैं ये सारी शिमला मिर्च भर लूँगी, जितनी भी प्लेट में रखी हैं मैं सबको भर के तैयार कर लूँगी। देखो ये सब भर के तैयार हो गई हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, अलग से छौंक नहीं बनाना है, ऐसे ही मसाला ये थोड़ा साइड में को करें, और इसमें ये जो हमने शिमला मिर्च भरी है उन्हें ऐसे आराम आराम से इसी में एडजस्ट कर दें सारियों को। ये ऐसे ही भाप में बन जाएंगी सब, और बहुत अच्छी बनती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखो ये सब मैंने इसी में रख दिया, और ये जो आपका चमचा और चम्मच वगैरह है ना, आप अलग हटा लें, और हल्का सा थोड़ा सा हाथ से पानी लेके, कटोरी से नहीं डालना क्योंकि एक्स्ट्रा डल जाता है, बस 5-7 बूंद पानी आप इन पर ऐसे स्प्रिंकल कर दें और इसे ढक दें और मंदी कर दें गैस। तो अब इसमें भाप बनेगी, भाप देखो
ये भाप बन रही है कितनी अच्छी। और बीच बीच में आप इसे हल्का सा ऐसे आप चलाते रहें, ज़्यादा अलटना पलटना नहीं है, सब बाद में पलटेंगे जब एक साइड से पक जाएंगी तो, लेकिन हिलाते रहे ताकि नीचे से जले ना। तो ऐसे ही करते हुए आप बीच बीच में देख लें, और ये बहुत अच्छी शिमला मिर्च आपकी बन के तैयार होंगी। फिर मैंने ढक दिया इसको, थोड़ी देर बाद देखो इन्होंने पानी रिलीज कर दिया, क्योंकि शिमला मिर्च में काफ़ी पानी होता है। लेकिन आप इसको ज़्यादा वो ना करें, बस नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इस तरह पलट दें इनको, तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी इसी पानी में जो इन्होंने छोड़ा है पानी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको ढक देना आप थोड़ा सा। अब देखो मैंने ढक दिया था, दोबारा खोल के देखा है तो ये सारे इनका कलर चेंज हो गया है, अब ये ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। तो अब की बार मैंने अच्छे से पलटा दे दिया इनको सबको। और किसी का मसाला नहीं निकला है, सब जैसे थी वैसे ही हैं और पक चुकी है लगभग सारी ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके। देखो इसमें आप चक्कू डाल के देखें, देखो ये किसी भी शिमला मिर्च में आप डाल ले चक्कू तो ये पक चुकी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और अगर आपको सर्व करनी है तो अभी आप सर्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ढक कर रख दीजिए, जब सर्व करनी है तब आप सर्व, जब खानी है जब सर्व कर लेना। तो बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी शिमला मिर्च कैसी बनी थी। ये देखो ये थोड़ी देर हो गई है, ठंडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अपनी किसी और वीडियो के साथ। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। ओके, बाय बाय।